नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर और आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ पावर बैंक का। और ये जो पावर बैंक है रियलमी पावर बैंक 2 है, ये 20,000 mAh का पावर बैंक है और ये 18 W फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है। तो मैंने ये पावर बैंक क्यों लिया, मुझे इसकी क्या ज़रूरत थी और इसके अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे और देखेंगे इसके क्या इसके फीचर्स हैं एंड क्या ये जो 1600 रुपये का मुझे पड़ा ये वर्थ इट है या नहीं। यार पावर बैंक ना आजकल सबकी ज़रूरत हो गई है, जैसे एयरफोन्स हो गए, फ़ोन हो गया, आपकी कैमरे की बैटरी का चार्जर हो गया, इमरजेंसी लाइट की चार्जिंग हो गई सपोज। तो जैसे मैं अभी ट्रैक पे जा रहा हूँ, वो हिल्स का ट्रैक है, लेह लद्दाख का ट्रैक है, तो वहाँ पर लाइट नहीं रहेगी तो हमारे पास एक पावर बैंक होना है, तो मैंने ये पावर बैंक लिया। तो ठीक है यार, शुरू करते हैं इसके अनबॉक्स। तो ये इसकी इन्होंने पैकिंग दे रखी है, रियलमी पावर बैंक 2 20,000 mAh और ये ब्लैक कलर में लिया है मैंने और ये इसका बॉक्स आता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, 18 W फास्ट चार्ज। एक चीज़ नोट करनी है, 18 W ये टोटल है, तो इसके 3 पोर्ट्स हैं, अगर 2 पोर्ट से आउटपुट ले रहे हो तो वो दोनों 18 W उन दोनों पोर्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है जी, लो करंट चार्ज जो मैंने बताया था आपको, ईयरफोन्स हो गया, स्मार्ट वॉच आपने चार्ज करनी है तो ये लो करंट मोड में चार्ज करता है, उनको हाई करंट में नहीं करेगा, तो आपका जो डिवाइस है वो डैमेज होने से बच जाएगा। टाइप सी इसकी कनेक्टिविटी है, 14 लेयर सर्किट प्रोडक्शन है बेसिकली। यार अगर हम 20,000 mAh का पावर बैंक है तो जो चार्जिंग होती है वो सेफ रहे, उसके लिए इन्होंने बोला कि 14 लेयर्स ऑफ सर्किट प्रोडक्शन है। जो MI का है उसमें 12 लेयर ऑफ प्रोडक्शन थी एंड वो सेम कॉस्ट पे मिल रहा था। ट्रिपल आउटपुट है, ट्रिपल आउटपुट का मतलब इसमें एक इनपुट पोर्ट है जिसमें हम चार्जिंग कर रहे हैं, तो ये तीनों से भी आउटपुट दे सकता है या आप जिससे चार्ज कर रहे हो, टाइप सी से चार्ज हो रहा है और ये बाकी जो दोनों पोर्ट हैं ये इनको चार्ज कर सकते हो, मतलब एट द सेम टाइम आप इसको चार्ज भी कर सकते हो एंड इसके थ्रू चार्जिंग कर सकते हो, उसको बोलते हैं पास थ्रू चार्जिंग। एंड हाई डेंसिटी लिथियम पॉलीमर बैटरी है ये इस पर लिखा हुआ है, हालांकि ये मेरे को अमेज़ॉन पर 1600 रुपये का पड़ा। ठीक है यार, इसको खोलते हैं। तो यार ये पावर बैंक आ गया आपका, ओके, साइज वाइज इट इज़ फाइन। ये आपकी क्विक मैनुअल आ गई, यूज़र गाइड आ गई एंड इसके नीचे इन्होंने ये केबल हमको दी है। जो एक रीज़न था इसको लेने का, एक रीज़न ये भी था, 20,000 mAh के हमारे पास 3 ऑप्शन थे, 1 इज़ एम्ब्रेन, 1 इज़ रियलमी एंड 1 वाज रेडमी। एक जो रीज़न इसको लेने का मेरा ये था कि इस पर इन्होंने ये ड्यूअल पोर्ट है, तो माइक्रो USB भी है एंड USB टाइप सी भी है, तो आप एक केबल से, आपने एक केबल लगाई एंड देन यू कैन चार्ज डिफरेंट डिवाइसेस। अगर आपके घर में कोई टाइप सी है तो टाइप सी से चार्ज करें, माइक्रो USB है तो माइक्रो USB से करें एंड बड़ी अच्छी सी स्वीट सी केबल है, 18 W के लिए सफिशेंट है। ओके तो यार ये है और ये 2 कलर ऑप्शन में आ रहा है, 1 इज येलो एंड 1 इज ब्लैक, तो येलो पे ब्लैक से रियलमी लिखा हुआ है एंड दिस 1 इज दिस। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है 20 mAh की इसकी बैटरी रेटेड है। ओके एंड यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर यार जो मैंने आपको बताया था 3 पोर्ट्स हैं, आप तीनों पोर्ट से आउटपुट ले सकते हो, 2 USB Type-A पोर्ट हैं, 1 USB Type-C पोर्ट है एंड ये पावर ऑन का पोर्ट है। तो यार ये बटन दबाया, इसको ऑन करा, तो यार यहाँ पे 2 LED जल रही हैं, इसका मीन्स ये 50% चार्ज है। आप इसको 3 पे आ जाएगा 75%, 4 पे आ जाएगा 100%। तो एज एडवर्टाइज जो है इसमें लिखा हुआ है कि यार ये 8 घंटे लगते हैं इसको फुल चार्ज होने पे, अगर एकदम डिस्चार्ज हो तो 8 घंटे में फुल चार्ज होगा, विच इज़ फाइन, रात को लगाया सवेरे ये आपको चार्ज मिलेगा। जो टेक्सचर है इसका हल्का सा रफ सा है, तो ग्रिपी है, ग्रिप आ रही है एंड इट इज़ लाइक, हाँ जो इसका वेट मेरे ख्याल 475 ग्राम्स का एडवर्टाइज्ड है तो वैसा है। और मेरे पास एक बैंक मी का भी बैंक था, ये भी 20,000 mAh का ही है, इस जस्ट दैट ये माइक्रो USB सपोर्ट करता है एंड ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता और मैं ये 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो ओवर द टाइम इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है, चार्ज रिटेन करने की कैपेसिटी, वो कम हो गई है काफ़ी। तो मुझे लगता है अभी आज के डेट में 10,000 mAh पे ही काम कर रहा होगा, जो मतलब मोटा मोटा वो है, मेरे पास कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं है प्रूव करने के, बट हाँ अगर आप मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करता हूँ, फिट एंड फिनिश की बात करता हूँ, तो दिस इज़ मच बेटर, है ना। ये मुझे इसकी जो फिट एंड फिनिश है अच्छी लगी। लेंथ की बात करेंगे तो दे आर ऑलमोस्ट सेम लेंथ, है ना, और चौड़ाई की बात करेंगे तो इट इज़ दिस एंड थिकनेस मुझे लगता है इस वाले की ज़्यादा है, मे बी ड्यू टू प्रोटेक्शन, है ना, ये कहानी ये रही। ठीक है जी, तो मैं रूबेन पास ट्रैक पे गया था और हफ्ते भर के ट्रैक पे गया था, तो मैं दोनों बैंक लेके गया हुआ था और पहले मैंने इसको यूज़ करा और एज एक्सपेक्टेड ये 4-5 साल पुराना है, तो यार ज़्यादा चार्ज नहीं करा, इसने 2 बार चार्ज करा होगा मेरे फ़ोन को,
बट ये वाला इसने मेरे फ़ोन को दो बार चार्ज भी करा और साथ में दो फोन ऑन थे और थे दोस्तों के, तो वो भी चार्ज करे, तो कैपेसिटी वाइज हाँ ये चार्ज होल्ड करता है। तो जब मैं वहाँ से आया तो 0% चार्ज बचा हुआ था इसके अंदर, तो मैंने इसको चार्ज पे लगाया, तो यार ये अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ कर रहे हो आप, पूरे 6.5 घंटे लगे और ये चार्ज हो गया था। सो ये है। और हाँ यार, आप मेरे से पूछो कि क्या रिकमेंडेशन, तो यार हाँ आप बंद करके ले सकते हो यार, प्रीमियम बिल्ड है, अच्छी क्वालिटी है पोर्ट्स का, जो जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ यार फॉर्मली कनेक्ट होता है, और प्रॉपर जो कैपेसिटी इन्होंने एडवर्टाइज करी हुई है हाँ यार वो देता है। एंड प्लस पॉइंट ये है इसका रेडमी और एम्ब्रेन के ऊपर कि यार इसकी जो केबल है वो बड़ी अच्छी आती है, आप टाइप सी एंड माइक्रो यूएसबी के बीच में टॉगल कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।